वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत दिनों के बाद। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई, मैं गांव गई थी। आप सभी को मैंने वीडियो में ही डाला था और बताया भी था कि मैं छठ पूजा के लिए और दीपावली के लिए मैं गांव गई थी, जो कि अब मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर जो है डेली डेली वीडियो भी गई थी। मैकेज में तो बिल्कुल भी नेट नहीं आया और ना कि वहाँ पे कोई मुझे वाईफाई कनेक्ट करवा के दे सकता था नेट, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं। मेरे दो भाई दोनों सब अपने अपने जॉब पे रहते हैं, मम्मी एक थी और भाभी हैं, तो उनके फ़ोन में उतना था नहीं। तो मैंने मैके का कोई वीडियो नहीं बनाया, बट मैके से मुझे क्या मिला है, मेरे ससुराल से क्या मिला है, किसने मुझे क्या क्या दिया है और मैं क्या लेके आई हूँ वहाँ से, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे लग गया है अभी बहुत तेज़ भूख, तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद अभी मुझे नीचे मार्केट में भी जाना है, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है, सिर्फ आलू आलू बचा हुआ था जो मैंने सुबह आलू टमाटर का सब्जी बना दिया, और अभी शाम के लिए कोई सब्जी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ जो पास में ही मार्केट लगता है, मुझे वहाँ से ही लेके आना है सब्जी। और बाकी जो सब्जी की मार्केटिंग है सब्जी मंडी से, वो हम करेंगे इनका जो वीकेंड रहेगा तब। और आज ये आते आते ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और बहुत अंधेरा हो गया है, तो चलिए मैं खा लेती हूँ कुछ। और मैंने बनाया है यहाँ पे मैक्रोनी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अभी ये खा लेती हूँ, उसके बाद रात को खाना खाना है, मैंने जल्दी से यही बना लिया। और काफी दिन हो भी गया था मुझे खाए हुए ये, क्योंकि गांव पे तो मिलता है बट मम्मी पापा कोई खाता नहीं, तो मैं अकेले क्या बनाऊँ, और टाइम भी नहीं है कि मैं ये सारी चीजें बना के खाऊँ या फिर खिलाऊँ किसी को, क्योंकि ऐसा मौसम भी था, ऐसा टाइम भी था कि कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं खा लेती हूँ। मछली रानी आ गई, इसे हम देखे गए थे यहाँ नीचे, जो मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है भाभी, उनके पास। और इतना दिन उन्होंने इसका ख्याल रखा है बहुत अच्छे से, और ये भी बहुत अच्छे से है। तो यही होता है ना कि ऐसी चीजें रखो तो फिर रिक्सी होता है ना, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है, किसके पास दे के जाए। अगर घर में कोई है तो उसके भरोसे छोड़ के जाना है, अगर कोई नहीं है तो फिर किसको दे किसको दे। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे नीचे वाली भाभी है बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनके पास भी मछली है तो वो लोग भी जब जाता है, अगर हम रहते हैं तो हमें वो दे के जाती है, इसलिए मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं था कैसी रहेगी। हम यहाँ तक तो हम तो भूल भी गए थे कि मछली भी है। फिर मुझे टेबल के पास मैं गई तो मुझे अचानक से याद आया कि टेबल सूना सूना क्यों है। और अभी मुझे जाना है सब्जी लाने। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर का जो सब्जी है वो खत्म हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो मैं जल्दी से लेके आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो भी आप सबको पता होगा कि दिल्ली का जो मौसम अभी क्या चल रहा है। तो मौसम जो है वो ठंडा हो गया है, और मैंने अभी स्वेटर वेटर नहीं पहना है, क्योंकि मुझे स्वेटर निकालना है। अभी उतना तेज भी ठंडा नहीं हो रहा है कि मैं मोटा मोटा स्वेटर पहन लूँ, तो जो हल्का जैकेट है वो मुझे निकालना है। तो मैं आती हूँ सब्जी लेके, फिर बात करते हैं और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और मैं आ गई सब्जी लेके। अभी मैंने पानी पिया, बहुत तेज का प्यास लग गया था, और नीचे जो है ठंड बहुत तेज हो गया है, और सब्जी यहाँ तो ऑलरेडी इतना महंगा देता है, लेकिन मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जी मंडी अभी हम जा नहीं सकते हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं, थोड़े से सब्जी लिया, मैं दिखाती हूँ।
ये नया वाला आलू आ गया है मार्केट में। अभी मैंने पहली बार देखा है, पता नहीं मेरे ना रहने पे आया होगा, तो मैंने नया वाला आलू लिया है और सही रेट में नहीं मिल रहा है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं। और वो जो पहले से आलू था वो पहले से थोड़े से बच गए थे। और ये गोभी और ये टमाटर, ये हरा मिर्चा रेडी वाला आता है बेचने, तो मैंने इसके पहले जो मिर्चा लिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कितना वो दिखा घटिया दे के गया था मुझे, और पैसे प्रॉपर ले लिया था, तो इसलिए मैंने रेडी वाले से नहीं लिया। मैंने पहले मार्केट में ही जाके फिर ले आते हैं वहां से। और ये मिर्चा एक भी बेकार सा मिर्चा नहीं है, जो भी है बहुत अच्छा हरा हरा है, इसीलिए नहीं लेते। और ये नारियल मैं गांव से लेके आई हूँ, छठ पूजा में जब नारियल हुआ था ना, तो ये मम्मी ने दो नारियल मुझे दिया था, तो अभी मैंने एक तोड़ दिया है और एक ये बचा है, तो मैं जब इडली बनाऊंगी तो इसका चटनी हो जाएगा। वैसे भी खाने में कच्चा बहुत अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा सा। तो ये मैंने थोड़े से सब्जी लिए क्योंकि फ्राइडे को इनका वीक ऑफ है, और फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तक ये सारी सब्जियां चली जाएंगी, बाकी थोड़ा सा बचेगा तो मैं चना या फिर राजमा ये सारी चीजें मिला के मैं बना लूंगी। तो मैंने थोड़ा सा लिया है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। वैसे तो चाय इतना पी पी के ना अब तो मन ही नहीं कर रहा है उतना पीने का। और पता नहीं ये कैमरा क्या हो गया, बार बार लाइट ऑफ हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ अभी, अब हो गया सही, पता नहीं बार बार लाइट ऑफ ऑन अभी भी पता नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय, और चाय बना के लेके चलते हैं, उसके बाद मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या। और कुछ चीजें मैं किचन में के लिए भी लेके आई हूँ, जैसे किचन के लिए मैं खाने के लिए नहीं, ये सरसों तेल, ये सरसों तेल घर का जो सरसों होता है, सरसों ले जाके फिर वहां पर कोल्हू से तेल बना के जो आता है, ये प्रॉपर वो वाला है, प्योर प्योर वाला। मार्केट में हम कितना भी खरीदते हैं वो बोलते हैं कि प्योर है प्योर, बट तो होता नहीं है। तो ये रहा मेरा प्योर सरसों तेल, जो अपने घर का सरसों ले जाके और वहां मशीन से तेल निकलवा के लेके आते हैं, तो मम्मी ने रखा हुआ था तो मैंने इतना लिया, मुझे क्योंकि ठंड का दिन आ गया ना, तो बॉडी पे लगाना फिर सर में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरसों तेल वैसा कोई तेल है नहीं, और जो नारियल तेल होता है वो तो जम जाता है ना ठंड के दिनों में, तो ये, और ये प्योर है तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मैं सरसों तेल लेके आई हूँ, और मैं लाई हूँ, और मैं लेके आई ये है चने का सत्तू, जिसका हम सत्तू भर के बनाते हैं, सत्तू वाला, और घोल के भी पीते हैं। तो ये है चना का सत्तू है, जिसे अभी ठंड में बहुत, मतलब मेरे फेवरेट, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट होता है चने का सत्तू, जो बना के भर के खाते हैं लिट्टी वो। और ये मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा, ये मक्के का आटा है, ये मक्के का, और मक्के का आटा यहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं मिलता है, बट ये मक्के का जो आटा है हमारे गांव पे मिलता है, ये मक्का जो होता है कच्चा मक्का, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके भून के फिर पिसवाते हैं, तो इसका रोटी भी बनाते हैं, ऐसे मिला के भी खाते हैं। और जो इससे इसका ये होता है ना खुशबू जो होता है ना इसका, बहुत बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, आप जो उधर के होंगे हमारे साइड के उनको पता होगा, इसको सतुआ बोलते हैं। ये मक्के का होता है, मक्के को भून के फिर बनाया जाता है इसका। मैं ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं लेके आई थी, हाफ के जी, मैं इसका रोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे मक्के का रोटी खाए हुए बहुत दिन हो गया है, मुझे अच्छा लगता है, तो
मैं ये थोड़ा सा मक्के का आटा लेके आई हूँ, और वो जो था वो चने का था, और ये है छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ। ये खजूर है, आटे का चीनी डाल के बिस्किट भी बोल सकते हैं आप। तो ये मैं थोड़ा सा ही लेके आई हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता ना, खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचना चाहिए ताकि मैं ये सारी चीजें हम खा सके, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके आई। तो ये हो गया खाने के लिए, और एक चीज और है जो मैं अभी दिखा रही हूँ, और मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा ये चूड़ा, जिसको पोहा बोलते हैं, हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं, दही चूड़ा खाना है, तो मैं चूड़ा लेके आई हूँ। और यहाँ जो है मार्केट में बहुत महंगा देता है, मतलब महंगा क्या है, ये वही रेट है इसका। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 किलो जो है 70 रुपीज का मिलता है, और जो खुला लेंगे आप बोरी में करके आता है वो 50 रुपए किलो देता है। बट ये जो मुझे मैं लेके आई हूँ इतना सारा, ये प्रॉपर 3-4 किलो, 4 किलो तक है, तो मैं इसलिए इतना ज्यादा लेके आई हूँ क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ रहा है, और अभी आएगा मटर, मार्केट में मिलना शुरू हो गया है, तो चूरा और मटर मिला के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो चूरा है ये, और ये मुझे ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, महंगा क्या, मुझे 1 पैसे का भी नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे घर का धान होता है, और हमारे उधर ये होता है ना कि आप धान लेके जाओ, जितना धान लेके जाओगे उसके बिल्कुल आधा करके वो चूरा दे देता है, तो ये हमें सस्ता मिलता है, क्योंकि हमारे खेत में इतना सारा धान होता है कि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है उसका कीमत, और मार्केट में जब आप उसे बेचने जाते हो ना तो वो बहुत कम कीमत में देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है कि बस धान लेके जाओ। और अगर आप 10 किलो धान, धान आप समझते हैं ना जिससे चावल बनता है, तो वो धान होता है, जब तक चावल नहीं बना रहता तब तक उसे धान बोलते हैं, और वो धान आप 10 केजी लेके जाओगे दुकान पे जहाँ पे ये चूरा बनता है, तो वहां पे आप उससे दोगे तो वो, अगर 10 किलो आपका धान है तो वो आपको 5 किलो चूरा देता है, इस तरह से आधा आधा करके देता है। तो ये हमारे खेत का धान था, तो मम्मी ने मुझे चूरा बदल के दे दिया है, तो मुझे लगता है कि पूरा ठंडा हम लोग खा चुके हो रहेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा ठंडा, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था सारा कुछ, थोड़ा सा किचन का सामान, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है लाने में क्योंकि थोड़ा सा भारी भारी हो जाता है सामान, बट जब हम 1-2 साल के बाद गांव जाते हैं तो गांव की सारी चीजें याद आती है ना, खाने को मन करता है। और ये है, मेरी सासू माँ ने दिया मुझे अचार, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि अचार कितना सारा डला हुआ था, और इस अचार में है करेले का अचार, पटल का अचार, टमाटर का अचार, कटहल का, पता नहीं क्या क्या, सारे जितने भी थे सब में से मैंने 2-2, 3-3 पीस मांगा, तब भी ये डिब्बा भर गया है, तो ये मैं अचार लेके आई हूँ। आपको दिख रहा होगा सामने है करेले का बड़ा बड़ा सा 2 पीस, और पटल का है, आम का, कटहल का, तो ये थोड़ा सा अचार में लेके आई हूँ। और घर का सामान घर का ही होता है, मार्केट से आप कितना भी अच्छा खरीद लो, टेस्ट तो रंग बिरंगे आते हैं, बट जो टेस्ट, जो स्वाद होता है अपनेपन का, वो मार्केट में नहीं मिलता, और जो घर का होता है, अपने खेत का सामान होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ खेती प्रॉपर होता है, अच्छे से होता है, बहुत सारा हम बातें कर रहे हैं, इधर मेरा चाय बन गया। हे गाइस, तो मैं आ गई अब सामान दिखाने आप लोगों को, क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रही हूँ अब दिखाती हूँ, अब दिखाती हूँ, बट मैं दिखा नहीं रही, तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना कि बोल रही है बट दिखा नहीं रही कि क्या मिला है क्या नहीं मिला, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ अपने मैके से। मैं अपने मैके गई थी सिर्फ 1 दिन के लिए, एक दिन मैं रात को गई, एक दिन प्रॉपर रही,
और दूसरे दिन मैं वापस चली आई, तो सिर्फ मैं एक दिन के लिए ही गई थी। और मुझे लेने मेरा भाई आया था, ये मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, और हस्बैंड मुझे उधर से वापस लेने के लिए गए थे। तो मैं एक दिन में गई थी, तो एक दिन में मेरी मम्मी ने मुझे दिया है ये साड़ी। और ये ब्लैक कलर नहीं है, ये है ब्लू कलर, आप लोग देख रहे होंगे। और इसका जो ब्लाउज है, ये मेरी मम्मी ने सिलवा दिया था पहले से ही, क्योंकि एक दिन में ये सूट नहीं खरीद के वो दे सकती थी, तो वो पहले से उन्होंने मेरा घर पे था ब्लाउज पीस, तो उन्होंने दे दिया था सिलने के लिए। तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दिया, आप लोग देख सकते हैं, ये इसका पार है, और ये दो कलर का साड़ी है। ये अंदर में ऐसा है, अभी मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी कि ये कैसा है। जिसे मैंने पहना नहीं, मैं इसे ऐसे ही लेके आ गई थी। और सूट जो है हम लोगों में शादी के बाद बहुत कम देते हैं, लड़की या फिर बहू जो भी है आजकल देने लग गए हैं। बट मैं एक दिन गई थी, तो एक दिन में रेडीमेड सूट भी अगर आप लेते हो तो बिना मतलब उसको फिटिंग किए तो आप पहन नहीं सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं बैठा है, मतलब कोई भी टेलर जो आपको अब वो अपना काम छोड़ के और आपका बनाते हैं। तो मेरी मम्मी ने ये पहले सिलवा दिया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। और मेरी भाभी ने मुझे दिया है, मेरी भाभी ने मुझे दिया ये वाला साड़ी। मुझे लाना था पैक की, तो मैंने डब्बे से निकालने का क्या अलग कर दिया था। और ये साड़ी है, ये काम किया हुआ है, और ये सिर्फ एक ही कलर का है। और ये है पूरे साड़ी में इस तरह से है कुछ काम। तो ये मेरी भाभी ने दिया, और इसका ब्लाउज पीस है इसमें, ये सिला हुआ नहीं है, ये ऐसी रेडीमेड है। और ये साड़ी दिया मेरी सासू माँ ने मुझे, आने के टाइम। और ये इसमें ये पेटीकोट का कपड़ा है। और ये, और मैं जो गिफ्ट ले गई थी सबके लिए, मैंने भी दिखाया था आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जो मुझे गिफ्ट मिला है वो आपके लिए भी है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आपकी यूज आ जाए तो, क्योंकि आप में और मेरे में कुछ नहीं बटा हुआ है। और मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने दिया ये पैंट शर्ट का कपड़ा, क्योंकि इतना जल्दी रेडीमेड लेके नहीं दे सकती। और हमारे घर में मतलब मायके में ऐसा कोई जेंस नहीं था जो कोई सामान मार्केट से ला सके, और हमारे घर से जो है मार्केट दूर था, तो मेरी मम्मी के पास, मेरी मम्मी ने पहले से ही लेके रखा था, क्योंकि उसे पता था कि मेरी बेटी आने वाली है। तो ये एक पैंट शर्ट का कपड़ा, ये हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए वो साड़ी। और एक चीज और मिला है, ये ब्रेसलेट, ये इस डब्बे में था।
तो ये ब्रेसलेट मेरे पापा जी, मतलब पापा जी मेरे फादर इन लॉ, वो अयोध्या गए थे और वहां से ये मेरे लिए लेके आए हैं। तो ये एक ही है, एक ही हाथ में पहनने वाला। ये गिफ्ट मिला मुझे और मेरी सासू माँ ने मुझे और दिया, वो है ये पैर का बिछुआ। उन्होंने मुझे मतलब दो जोड़ी दिया था, जोड़ी के हिसाब से ये मिलता है, सिंगल पीस नहीं मिलता। आप जब भी लेंगे तो एक डिजाइन का आपको दो मिलता है, तो एक ये जोड़ी हो गया। और एक और जोड़ी दिया था, तो उसका जो था ना एक उंगली, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये पीछे से ना ऐसे इसका मुंह कटा हुआ होता है, और जो उन्होंने दिया था उसका एक का मुंह जो था ना वो कटा हुआ नहीं था, वो ऐसे ही था। तो जिसके वजह से उन्होंने वो रख लिया, बोले कि जहां से मैंने खरीदा है मैं उसको दिखाऊंगी और कटवा के। तो ये पीस, ये अभी ना लाइट नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हैं ना, आ रहा है अंगूर के कलर का है इसका, ये जो नग है ना वो, तो ये अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया, ये भी गिफ्ट है। और दिया है मेरे लिए एक ये बैग, हैंड बैग, जो फोन रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें दो जीप है, तो ये मेरी है। और एक चीज जो बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक चीज मुझे मिला है, मतलब मैंने खरीदा नहीं, मुझे वो भी गिफ्ट ही बोलिए, और मुझे बहुत पसंद आया और शायद आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को ये लालटेन, है ना अच्छा चीज। और इसमें बैटरी भी है, ये चार्ज भी होता है, और प्लस में ये सोलर भी काम करता है, अगर आप इसे धूप में रख दो छत पे तो ये सोलर का भी काम करता है। इसमें तीनों चीज है, तो ये कैसा लगा आप लोगों को? सबसे हटके गिफ्ट जो है, सबसे अच्छा ये है, जो कभी लाइट कट जाए तो ये बहुत काम का चीज है, तो मैं इसे लेके आई हूँ। और ये येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका लाइट देखिए, आप लोगों को दिख रहा है? और इसकी खासियत तो मैं दिखाता हूँ, एक ये रेड कलर का जल रहा है अभी, आप देखिए व्हाइट, मैं लाइट ऑफ करती हूँ, ये जला, और ये देखिए 3 4 5 6, ये है फुल लाइट इसका। कितना अच्छा लाइट है ना, अगर लाइट कट जाए तो ये बहुत अच्छा है। तो ये चीज मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन जो है वो भी। और आप इसे किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, इसमें बैटरी भी है, चार्ज करने का भी है, और प्लस में आप सोलर भी यूज कर सकते हैं। और जिसको जिसको चाहिए मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा है, मैं आप लोगों को मंगा के दूंगी। नहीं मैं नहीं दे सकती मंगा के, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं कहाँ से दूंगी, ये मैं खुद ही अकेले लेके आई, बट मैं बता सकती हूँ कि ये कहाँ मिलेगा। ये जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो गया तो भी वहां पे मिलेगा, मार्केट में जरूर आप इसे दिखा के बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। तो
तो ये सारी चीजें थी कि जो मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये लालटेन बहुत अच्छा लगा, और प्लस में सामान भी बहुत सारी अच्छी चीजें मिली, बहुत सारा एंजॉय हमने किया गांव पे। तो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे खत्म कर रही हूँ, और जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और पास का जो बेल का आइकन है आप उसे भी दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मेरा पीछे का वीडियो, बाकी जो भी मैंने डाला है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां पे जाके चैनल का लिंक खोल के मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा। लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय।